और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होगी, वहीं पर 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। बीजेपी के सामने सत्ता दो बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ उत्साह है कि आप और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये उत्साह है कि वो जीतेंगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर सकता है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 38 से 47 सीटें मिलने का अनुमान किया गया है, वहीं पर कांग्रेस के खाते में 20 से 28 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती है, वहीं पर अन्य के खाते पर 0 से 3 सीटें आने का अनुमान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को किया जाएगा, वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की और 68 सीटों वाली विधानसभा में अभी बीजेपी बहुमत में है। सीएम के काम के कितने लोग खुश है कितने नहीं, आपको बताएंगे। वोटर के ओपिनियन पोल में सीएम के कामकाज से सिर्फ 38% लोग ही खुश नजर आए हैं, वहीं 33% लोग सीएम के कामकाज से खुश नहीं हैं, वहीं 29% लोगों ने सीएम के कामकाज को औसत बताया है। सीएम पद के लिए जयराम ठाकुर अब भी लोगों के पहली पसंद बने हैं। हिमाचल में ओपिनियन पोल में 32% लोगों ने जयराम ठाकुर को सीएम पद की पहली पसंद बनाया है, वही 26% लोगों ने अनुराग ठाकुर के सीएम पद का उम्मीदवार बताया है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह हिमाचल के लोगों की पसंद रही और 18% लोगों ने प्रतिभा सिंह को सीएम पद का बेहतर उम्मीदवार भी बताया है। बता दें कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए। एबीपी सी वोटरों के ओपिनियन पोल में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उठा है। ओपिनियन पोल में 49% लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा माना है, वही 15% लोगों ने बिजली सड़क पानी का मुद्दा माना है। पोल में 7% लोगों ने यह माना है कि चुनाव में भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा, वही 29% लोगों ने अन्य मुद्दे बताए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल वोट प्रतिशत में भी बीजेपी आगे। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे अधिक 47% वोट मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस को वोट 35.2% वोट मिल सकता है, वही आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6.3% और अन्य को 12.5% वोट मिलने के चांसेस बने हैं।